हेलो वीवर्स वेलकम बैक भारत फैशन आज आप लोगों को मैं बताऊंगी सा कि टाइप टाइप्स आप लोग कुर्ती कैसे रेडी कर सकते हैं तो जो कि इसका स्टाइल इस है और यहाँ पर मैंने कितना फैब्रिक लिया हुआ है मैं आपको बताऊंगी और ये कौन सा फैब्रिक है तो ये जो हमारा फैब्रिक है ये हमारा लोन का फैब्रिक है और यहाँ पर मैंने इस कुर्ती को बनाने के लिए करीबन मैंने ढाई मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से गोटा और लेस ले लिया जिससे यहाँ पर मैं अंगरखा जो वर्क करूँगी उसमें यहाँ पर बनाऊँगी ठीक है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक को टू पार्ट में इस तरह से रख लिया है उसकी लेंथ हमने यहाँ पर ली है करीब फोर्टी सिक्स इंच इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर जो फैब्रिक को इस तरह इसकी जो विद ली है यहाँ पर मैं ट्वेंटी इंच की ली है हम लोग सबसे पहले बैक वाले पार्ट को कटिंग करेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने शोल्डर्स के लिए सेवन इंच पे एक मार्क कर लिया फिर उसके बाद सेवन पॉइंट फाइव इंच पे एक मार्क किया फिर फोर्टीन पॉइंट फाइव इंच पे एक मार्क किया इस तरह से और ट्वेंटी टू इंच पे एक मार्क कर लिया यहाँ पर मैंने इस तरह से इस मार्कों को स्ट्रेट कर लिया है तो मैं बताती रहूँगी आपको मैंने ये क्यों मार्क करे हुए हैं यहाँ पर आपको इस तरह से पहले जैसे मार्क करी हूँ उसी तरह से आपको मार्क करना है फिर ये वाला मार्क आपको इस तरह से स्टेट कर लेना है ये हमारा आर्म होल्स का हो जाएगा फिर उसके बाद जो फर्स्ट मार्क होगा हमारा चेस्ट का होगा फिर हमारा वेस्ट का होगा और फिर ये हमारा हिप का होगा तो यहाँ पर करीबन बैक साइड से ये ए लाइंस कुर्ती जाएगी तो इस तरह से आपको जितना भी मैंने फैब्रिक फोल्ड किया था वहाँ पर से आपको बिल्कुल जो आपका नी वाला पार्ट होगा वहाँ पे आप मिला देंगे यानी कि बॉटम बोल सकते हैं और शोल्डर्स को हाफ इंच से डाउन कर देंगे फिर उसके बाद हल्का सा मार्जिन करीबन दो इंच का लेते हुए एक डबल मार्क में हम कर लेंगे फिर यहाँ पर हम इसको कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के लिए जो भी आपकी लेंथ हो वहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा इसको तो ये हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया और हल्का सा नीचे की साइड से यानी कि नीचे वाले पार्ट से हल्का सा राउंड देना होगा तो जैसे मैंने कट किया है वैसे ही आपको यहाँ पर कटिंग करना है सेम वैसे ही कटिंग करना है सेम मार्किंग करिएगा तो ये हमारा बैक वाला पार्ट कटिंग हो गया है ठीक है ये हमारा ये आप देख लीजिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ये हमारा बैक वाला पार्ट है अब यहाँ पर हम लोग बैक फ्रंट पार्ट को टू पार्ट में कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक पार्ट जो होगा हमारा लेफ़्ट वाले पार्ट को हम लोग कटिंग करेंगे जैसे कि ये हमारा टू पार्ट में बैक हमने कटिंग किया हुआ है उसी से आपको इस तरह से अपने फैब्रिक को लेना है और यहाँ पर इसको रखना होगा ठीक है जैसे मैंने रखा हाफ़ रखना है ये वन पार्ट है आप ध्यान कर लीजिए और इस वन पार्ट को हम लोग यहाँ से कटिंग कर लेंगे ये एक्स्ट्रा नहीं जाएगा ये हाफ़ कटिंग हो जाएगा यहां पर देखिए मैंने इस तरह से एक पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग कर लिया ये लेफ्ट वाला हमारा पार्ट जाएगा ठीक है अब हम लोग राइट वाले पार्ट को कटिंग करेंगे तो राइट वाले पार्ट को कटिंग करने के लिए हमारा जिस तरह से फैब्रिक बचा हुआ है हमने उसी तरह से रख लिया और इसको करीबन हा फाइव इंच यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कटिंग करना है जैसे मैंने यहाँ पर एक मार्क करा हुआ है एक्स्ट्रा फ्रंट में पहले आपको एक साइड से इसे कटिंग कर लेंगे ठीक है इस आसे और यह वाला पार्ट जो आपका एक, इधर वाला पार्ट होगा उसको पहले निकाल देंगे ताकि आपको इजीली तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए अंगरक्खा थोड़ा सा टफ होता है बट यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल सा और इजी तरीका बताया हुआ है ताकि आप लोग अच्छे से यहाँ पर बना सकें यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया यहाँ पर से मैंने एक साइड से कटिंग कर लिया अब हम लोग इस साइड आ जाते हैं जैसे यहाँ पर मैंने फाइव इंच एक्स्ट्रा लिया है ठीक है ये वाले पार्ट को हम लोग इस तरह से आप देख रहे हैं बस यहीं से आपको कटिंग करना होगा बस यही वाला हमारा पार्ट एक्स्ट्रा कटिंग होता है अंग्राखा में और बाकी कोई पार्ट हमारा कटिंग एक्स्ट्रा नहीं होता है ठीक है अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ऊपर शोल्डर्स पे तो बैक वाले पार्ट से ही आपको मेजरमेंट लेना है नेक का तो यहाँ पर मैंने एक नेक का मार्क करा बैक वाले पार्ट में ठीक है आप देखते रहिए अच्छे से आपको ईजली तरीके से समझ वही मार्क हमने फ्रंट में आ, मार्क कर लिया अब हम, हमें थोड़ा सा बैक नेक छोटा चाहिए तो तो यहाँ पर मैंने इस तरह से आ, आप देख रहे हैं इस तरह से मैंने एक डबल मार्क कर रखा था इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको कटिंग कर, कर लिया अब ये वाला पार्ट जो है इसका फ्रंट वाले पार्ट में हम यहाँ पर नेक में भी कट लगा लेंगे और इसको यहाँ पर से देख लीजिए ये यहाँ पर मैंने लगा लिया अब हमें अब फ्रंट वाले पार्ट में कटिंग करना है तो यहाँ से आपको करीबन टेन इंच पे एक मार्क करना है वी टाइप का और यहाँ पर इसको मिला देना है जो भी आपका शोल्डर सारा होगा ठीक है अब हम ये वाले पार्ट को कटिंग कर देते हैं ये देखिए हमने ये वाले पार्ट को कटिंग कर लिया अब हमारा बचा है दूसरा दुछ, वाला पार्ट तो सेकंड पार्ट हम लोग कैसे कटिंग करेंगे तो आपको क्या करना है ये वाले पार्ट को और इसके ऊपर बस सेकंड पार्ट को ऐसे रखना होगा बस जैसे मैं रख रही हूँ सेम आपको बस ऐसे देखना है और इसको हाफ़ इस तरह से फोल्ड कर देंगे बस ये वाला पार्ट आपको जो आ रहा है और इसको हम लोग कटिंग कर लेंगे ठीक है ये हमने यहाँ पर इसको कर दिया और ये वाला पार्ट हम लोग क्या करेंगे अब कैसे रखना है ये वाले पार्ट को नीचे साइड में रखेंगे और ये वाला पार्ट ऊपर को रखेंगे इस तरह से हमारा अंग रखा रेडी हो जाएगा यहाँ पर अब हम लोग कुछ आ, मैंने जो लेस ली है उसको लगा लेंगे और इस तरह से ये ओपन रहेगा अगर आप इसको लॉक करना चाहें लॉक भी कर सकते हैं अगर आप ओपन रखना चाहें तो ओपन भी रख सकते हैं बट यहाँ पर मैं ओपन ही बनाऊँगी मैं लॉक नहीं करूँगी यानी कि मैं बंद नहीं करूँगी ठीक है इस तरह से इसका करीबन लुक आएगा अब यहाँ पर हमने लेस ले लिया है लेस को हम लोग कैसे लगाएंगे ऊपर की साइड से आपको ये लाना होगा और इसको करीबन ऐसे नीचे लेके जाना होगा तो यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊँगी कि ये लेस कैसे लगती है मैं वो भी आपको बताऊँगी आप लोग बस इस स्टेप वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप मत करिएगा नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा यहाँ पर हमने एक गोटा भी ले लिया हुआ है जो कि मैंने आपको पहले ही आपको दिखाया था इसी तरह से ये ही यहाँ पर आपको लगाना होगा गोटा तो अब हम आ जाते हैं कैसे लेस को लगाएंगे तो अपनी लेस को इस तरह से आपको रखना है सीधे वाले पार्ट में और एक स्टिप करीबन डेढ़ इंच की कट करनी है और इसके ऊपर रख के आपको यहाँ पर स्टिचिंग कर देनी है तो चलिए हम लोग मशीन पर चलते हैं आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे लगाना है तो बस आपको क्या करना है यहाँ पर अपनी लेस को ऐसे रखना है और ये वाले आपको जो स्टिप है उसके ऊपर लेस के ऊपर रख के यहाँ पर इसे स्टिच कर देना है ठीक है यहाँ पर देखिए हम स्टिच कर दिया है हमने और अब हमें क्या करना है ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट मैंने स्टेप ली थी उसको अंदर की साइड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ऊपर की साइड में स्टिचिंग कर देंगे ठीक है यहाँ पर देखिए ये आ गया हुआ है अब ये वाला पार्ट कैसे फोल्ड करेंगे इसको हाफ़ लेना है और हाफ़ पार्ट आपको अंदर की साइड को रखना होगा और यहाँ पर स्टिचिंग कर देना है यहाँ पर देखिए अब जो आपको मैंने गोटा लिया था जहाँ पे मैंने स्टिचिंग करा हुआ है वही वाले पार्ट पे हम यहाँ पर अपने गोटे को लगा देंगे ताकि ये जो आ, आपकी स्टिचिंग दिखाई दे रही है वो छिप जाए ठीक है ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए अब यहाँ पर मैं एक और गोटा लगा रही हूँ यहाँ पर मैं दो, दो पट्टी यहाँ पर मैंने एक गोटे की लगा ली हुई है और स्टिप और यहाँ पर एक मैंने लेस लगा ली हुई है तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इसका कुछ लुक आ रहा है थोड़ा सा वाइट तो है ना तो दिख नहीं रहा है आपको ब्लर दिख रहा होगा बट यहाँ पर आपको इमेज जो आपने पहले देखी होगी सेम या ऐसे ही रेडी हुआ है ठीक है तो अब हम लोग चलते हैं हम लोग ने ये वाले पार्ट दोनों रेडी कर लिए जैसे मैंने एक पार्ट को रेडी किया उसी तरह से मैंने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया हुआ है और इसके ऊपर इसको रखना होगा ऐसे करके जैसे पहले मैंने कटिंग करके रखा था सेम आपको इसके ऊपर इसको रख देना है और बट सिर्फ रखना है और यहाँ पर आपको पिन की मदद से इसको पहले जॉइंट कर लेना है फिर उसके बाद हम लोग अपने बैक वाले पार्ट को और फ्रंट वाले पार्ट को दोनों को आपस में जॉइन करेंगे तो यहाँ पर अपने बैक वाले पार्ट को मैंने ले लिया हुआ है पहले सबसे पहले शोल्डर्स के हम लोग जॉइन करेंगे ठीक है इस तरह से ये दोनों पार्ट हैं हमारे ये वाले पार्ट में जो मैंने मार्किंग करी है उसी पे आपको स्टिचिंग करनी है बस इसी तरह से जो भी आपका फिटिंग वाला पार्ट होगा उसको स्टिचिंग कर देंगे पूरी ए लाइन से आपको इसको स्टिचिंग इस लेके जानी है मशीन आपको अपनी चलानी है यहाँ पर हाँ यहाँ पर देखिए अब हमारा आ जाता है शोल्डर्स तो शोल्डर्स को कैसे इस तरह से आपको रखना होगा नीचे बैक वाला पार्ट टू ठीक है फिर उसके ऊपर फ्रंट को रखेंगे जो हमारा बैक वाला फ्रंट वाला नेक होता है उसकी जो स्ट्रिप आती है वो फ्रंट वाले ऊपर पे आप ओवरलॉक कर देते हैं ठीक है आ, ओ, इस तरह से अब हम लोग अपनी बनाएंगे स्लीव्स तो स्लीव्स के लिए भी मैंने दूसरी तरकीब आपको बताती हूँ ताकि दूसरा है कि आपको समझ में आ जाए आपको अपनी लेस को लेना है और इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ सेम इसी तरह से आपको अपनी लेस को लगाना है और ये वाला फैब्रिक जो है इसको पहले आपको अंदर की साइड को रखना है आप देख लीजिए ऐसे आपको पहले फोल्ड करना है फिर फैब्रिक को उल्टे पार्ट में ले आएंगे और फिर उसके बाद इसको हाफ इंच पे स्टिचिंग कर देंगे ठीक है ये यह यहाँ पर आप मशीन पे आ गई आपको में आ जाए ताकि अच्छे से बस इस सार से आपको यहाँ पर स्टिचिंग कर देना है और फिर ये वाला पार्ट जो है इसको अंदर की साइड में करके हम लोग स्टिचिंग कर देंगे ठीक है अब यहाँ पर हम लोग इसको स्टिचिंग इस करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपको ऐसी रखना है तो आप ऐसी भी छोड़ सकते हैं हम यहाँ पर तो गोटे को लगाएंगे तो मैंने यहाँ पर गोटा ले लिया हुआ है अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर स्टिचिंग आ रही थी उसको लॉक करने के लिए बंद करने के लिए यहाँ पर गोटे को लगा देंगे ये हमारी हमारे यहाँ पर स्लीव्स रेडी हो गई हैं इसका बॉटम मैंने रेडी कर लिया हुआ है अब इसको हम लोग लॉक कर लेते हैं कैसे स्टिचिंग करनी है इस तरह से आपको टू पार्ट में दोनों स्लीव्स को रखना है और फिर यहाँ पर स्टिचिंग कर, कर देना है इसको जॉइन कर देना है ठीक है यहाँ पर हमारा जॉइंट हो गया है आ, दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो गई हैं अब हम लोग अपनी आ, आ, कुर्ती में से ज्वाइंट कर लेंगे बस आपको आर्मोल से, से ज्वाइन करना होगा दोनो, दोनों दोनों स्लीव्स को आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग वीडियो देख सकें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई